दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणाओं, वादों और अपने मुस्तैद इरादों की छड़ी लगा दी है, जिसको देखकर दिल्लीवासी अचंभित हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को इस तरह की घोषणाओं पर पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों के ऊपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। जब चुनाव के दौरान शराब परोसना, खाना देना, उपहार देना, पैसा देना मना है, तो इस तरह से चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ समय पहले ही सरकारों द्वारा जनता को इस तरह के तोहफे देना और इस तरह की घोषणाएं देना भी नाजायज़ है। अगर अरविंद केजरीवाल देश और दिल्ली के लिए कुछ खास करना चाहते हैं, तो इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं, जिससे आत्मसम्मान के साथ राजधानी वासी रह सकें, वे बिजली और पानी का बिल भी दें और DTC के बसों में चलने के लिए महिलाएं टिकट भी खरीदें। इस तरह का माहौल बनाकर आत्मसम्मान से जीने के लिए अगर लोगों को आगे बढ़ाएं, तो वे अच्छे मुख्यमंत्री कहलाएंगे। फ्री फ्री करके कहाँ से वो पैसा लाएंगे? वे पैसा जो है आम जनता के टैक्स का ही होता है। सभी लोगों से टैक्स अर्जित कर कुछ खास लोगों को वोट बैंक की राजनीति के चलते लाभ पहुंचाना सरासर अलोकतांत्रिक और गलत है। इस मुद्दे पर न्यायालय और चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, साथ ही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को भी इसका विरोध करना चाहिए। राष्ट्रहित में जारी। जय हिंद, जय भारत।